इस भीड़ से साथ की उम्मीद मत रखना। दोस्तों आज एक सवाल आपके लिए, आपसे पूछूंगा मैं इस वीडियो में सवाल, उसका मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करना क्योंकि मुझे बात करनी है। मान लिया बड़े मियां छोटे मियां के बहुत अधिकतर लोगों को रिव्यूज अच्छे नहीं आए, नहीं देखने गए, पूरा आपके साथ हूं। मैदान के साथ क्या हुआ यार, इतने गोल्डन और बढ़िया रिव्यूज के बाद भी लोग उसको देखने नहीं गए, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या लोग बॉलीवुड से उब चुके हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट रेपिटेटिव हो रहा है? क्या लोगों को गुस्सा है? क्या लोगों को बॉलीवुड मूवीज को थिएटर में देखना ही नहीं है? मैदान डिजर्व्स बेटर। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों, क्या ऐसे रीजंस हैं जो मैदान फेल हुई है और इससे एग्जैक्टली इफेक्ट कहां पड़ने वाला है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। बॉक्स ऑफिस रिएक्शन में मैदान का देता हूं, चार दिन के अंदर मैदान मोटा मोटा 22-23 करोड़ रुपए करके गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ऐसी बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यार बॉलीवुड अब इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं ला रहा, कुछ लोग कह रहे हैं यार अजय देवगन बहुत बार रिपीट हो रहा है, आ रहा है उसको भी बार बार देखने हम थिएटर में क्यों जाए। यार देखो मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूं, आज जो इस मूवी के साथ हुआ है ना मैदान 22 करोड़ पे हुआ, उम्मीद मेरी अभी भी ये है कि जिस हिसाब से इन्होंने कंटेंट पेश किया अजय देवगन ने, परफॉर्मेंस स्क्रीन प्ले एक बांध के तो रखा है पूरी मूवी में ऑर्गेनिकली, मतलब एक ऐसी मूवी है जिसमें आप ऑर्गेनिकली फ्लो करते हो फीलिंग्स के साथ और लास्ट में जाके आपका मन करता है कि हाँ भाई ये जीते, वो आप मतलब जो वो दिखाना चाहता है डायरेक्टर उसके साथ आप मूव थ्रू कर रहे हो पूरी मूवी में। तो यहां पे मूवी कुछ लोग कहते हैं लंबी मूवी दिखाते हैं। यार देखो मैं एक चीज सिंपल सी बात कहता हूं, अगर आज ऐसी मूवीज फ्लॉप होंगी तो इसका मतलब ये है कि ऐसी मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर डिमोटिवेट होंगे। अब हम अगर छोटा सा एग्जांपल लें, मैंने अपनी काफी वीडियोस में कवर किया मलयालम मूवीज में कि जो आज कमर्शियल सक्सेस है, उस कमर्शियल सक्सेस में सिर्फ मूवी प्रोडक्ट बनाने वाले का हाथ नहीं है, वो एक टाइप का सिनेमा बन रहा है जिसको वहां की पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है। अब अगर मैं वही पॉइंट उठा के आज बॉलीवुड में डालूं, बड़े मियां छोटे मियां ठीक है एक मास एंटरटेनर मूवी थी जो लोगों को अधिकतर लोगों को क्लिक नहीं करी, पर मैदान के साथ तो कुछ ऐसा था नहीं। तो आज अगर प्रोडक्ट बनाने वाला ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है और उसको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क डालता है दो बहुत सारी बातों पे कि क्या लोग ऑडियंस जो है अभी बॉलीवुड को देखना नहीं चाह रही है, प्रॉब्लम क्या है? और अगर देखना नहीं चाह रही है तो बॉलीवुड के आने वाले दिन बहुत ज्यादा स्केरी होने वाले हैं क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट नहीं चल रहा। फाइटर जैसी मूवी सिर्फ 200 करोड़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल तो ये मिलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो 100% चल रही है, नॉट विद कंटेंट। देखो कंटेंट अच्छा आ रहा है, परफॉर्मेंस एक्टिंग डायरेक्शन स्क्रीन प्ले पिक्चर के जो भी एंटरटेनमेंट वैल्यू थी सब थी, पर लोग नहीं जा रहे हैं। क्या कितना नाराज हो भाई, कितना नाराज हो। आज इन मूवीज अगर फ्लॉप हुई तो मैं बता रहा हूं जो एक डाउनफॉल, देखो 2023 में बॉलीवुड का एक अलग रूप था, आज 24 में 4-5 महीने निकल चुके हैं, पांचवा महीना भी आने वाला मई में, वो बात नहीं है जो मतलब वो बात क्या उसका 10% भी नहीं है। तो पब्लिक सडनली ड्रॉप कर चुकी है इंटरेस्ट, साउथ इंडस्ट्री इंडिया की मूवीज में इंटरेस्ट आ रहा है, वो कुछ कंटेंट अलग भी आ रहा है। मगर एट द सेम टाइम यार अगर अच्छा प्रोडक्ट हिंदी मूवीज में भी बन रहा है उसे भी हमें साथ में रखना है, बिल्कुल पूरी तरह रिजेक्शन में डालने का सेंस तब बनता है जब प्रोडक्ट ही गंदा हो, प्रोडक्ट बढ़िया है फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये तो फिर एंटरटेन हिंदी इंडस्ट्री ने भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो देखो मेरा तो आज बॉक्स ऑफिस रिएक्शन बड़ा मतलब मैदान को लेके आई एम शॉकिंग, मैं किसी से बात कर रहा था मैं यही बात बोल रहा था भाई, मान लिया बड़े मियां छोटे मियां का तो चलो रिव्यूज खराब है तो जनता नहीं जा रही, हालांकि कलेक्शन उसकी ज्यादा है बट उसके अपने ऑनर से कम है, पर मैदान के साथ क्या है, यहां तो ये एक सिग्नल निकल कर आ रहा है कि जनता सोच के बैठी है कि भाई अब कोई मूवी जानी है तो वो पुष्पा टू जानी है, बीच की जो मूवीज आएंगी जाएंगे ही, अब कोई मूवी 70 करोड़ करती है आजकल बॉलीवुड में 80 करोड़ करती है 100 करोड़ टच कर जाती है तो वो पार्टी कर देते हैं, दैट इज नॉट अ सक्सेस। तो दोस्तों यहां पे मैं ये बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि या तो बॉलीवुड मेकर्स को समझना पड़ेगा ऑडियंस की साइज, क्योंकि ये पब्लिक है ये अच्छे अच्छों को हिला देती है भाई, तख्त जो रूलर्स है अच्छे अच्छे वो अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो नीचे आ जाते हैं, तो ये तो एक्टर्स हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो यहाँ प्रोड्यूसर्स को ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक हिंदी ऑडियंस क्या चाह रही है, क्योंकि ये मेजरली हिंदी ऑडियंस की तरफ से रिजेक्शन है, या यहां पे पब्लिक को शायद थोड़ा ब्रेक चाहिए और वो ब्रेक के बाद चीजें कुछ डिफरेंट टाइप की देखना चाह रहे हैं, शायद थोड़ा सा ऑन ट्रैक आ जाए कि ठीक है यार हार्श हो गया अभी थोड़ा सा लाइट लेके चलते हैं। एनीवेज पॉइंट इज कि गुड कंटेंट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड, ये मैदान वाज अ वेरी गुड कंटेंट तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, यहां पे सॉरी फील होता है अजय देवगन के लिए, बट अजय देवगन इज अ गुड एक्टर गुड फिल्म मेकर, होप कि वो अगली फिल्म में अपना बाउंस बैक करें। टेक केयर, बाय बाय।